फाइनली कसाई वगैरह आ गए। हाँ भाई चचा फिर बच जाओगे? मावा खाएगा? नहीं मावा बनी है, बताओ फिर बच जाओगे? जफा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हुए, कुछ ऐसा है, मुझे उठना था 5 बजे गाय को खाना देने के लिए और 6 बज चुके, 6:30 बजे जो है ईद की नमाज है। अभी मैं जा रहा हूँ आटा वगैरह लेके हाथ में, जल्दी से यार खाना वगैरह बना के दे दूँ मैं इसको, क्योंकि आज जो है बेचारा व्हाइट वाला बस जो है ना कुछ ही लम्हात का मेहमान है हमारा। चलो ये अच्छा हो गया, सामने इधर पानी भर के रखा है ताकि मैं आराम से जल्दी से चारा बना सकूं इनका। मैं रात में शाम से बोल दिया था कि पानी वगैरह भर देना, बस जो है भाई इनको खाना वगैरह मैंने जो है ना बना के दे दिया अच्छा सा, सूप जो है जितनी भूसी थी सब डाल दी, आटा वगैरह सब मिला दिया अच्छी तरह तरीके से। आज जो है पहली ईद पे ये कुर्बान होगा, दूसरी पे बेचारा ये वाला हो जाएगा। आज बड़ा अफसोस हो रहा है यार, मैं इतने दिनों से मैं इनको पाल रहा था, खिदमतें कर रहा था, देखो इतने डरे हुए होते, इनको पहले से ही पता चल जाता है। बस यार अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी हो कबूल फरमाए और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो अभी चलता हूँ मैं भी बस जल्दी से तैयार होने, क्योंकि आधा घंटा रह गया अभी नमाज के लिए। भाई नहा धो के भी रेडी हो गया, नाश्ता वगैरह भी कर लिया, बस अब चलते हैं जल्दी से मस्जिद, क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल कम रह गया है, 5-10 मिनट रह गए। कितना टाइम रह गया? 6 मिनट रहेगा यार, 6 मिनट बस जल्दी से चलते हैं नमाज पढ़ने। तो भाई नमाज वगैरह पढ़ के जो है अभी फारिग हो गए थे, काफी लेट हो गए थे यार, इस वजह से मैंने वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया। अब बस सारे आ गए, बस चचा वगैरह आ जाए, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग सारे अभी कब्रिस्तान, उसके बाद फिर जो है इंशाल्लाह हमारा कसाई आ। तो भाई कब्रिस्तान से होके आ चुके हैं, अभी सामने जो है जानवर गिनना शुरू हो गए, अभी वहाँ चल के आपको दिखा। तो भाई अशर भाई ने सही सफाई भी शुरू कर दी है इधर की अभी, क्योंकि इसी खूंटे से बन के जो है ना जानवर को गिराएंगे। तो बस भाई जल्दी से चलते हैं नीचे, चेंज वगैरह कर लिए, कसाई आ गए, 8 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे से थोड़ा पहले ही आ गए कसाई। तो बस जल्दी से चलते हैं नीचे, फिर आपको दिखाता हूँ। भाई कसाइयों से मैं सल्ले की छुरी लेकर आ गया था, ये वाली छुरी है सल्ले की, अभी पापा जो है इसके ऊपर दुआ पढ़ के फूकेंगे और अभी चलते हैं बस नीचे। फाइनली कसाई वगैरह आ गए। हाँ भाई चचा फिर बच जाओगे? मावा खाएगा? नहीं मावा बनी है, बताओ फिर बच जाओगे? चचा तो दोबारा बच जाएंगे कह रहे हैं, अभी देखते हैं। सही है चचा, देखते हैं ये हम बचना है इस बार तुमने। चार्ज हो रहे हैं मावा खा के जो है ना। फाइनली भाई हुज़ैफ़ा वाइट वाले को खोल के ला रहा है, जिसको हमें जो है पहले कुर्बान करना है। असम शटर गिरा दो, आराम से करना। कसाई वगैरह जो है अपनी तरीके से उसको बांध रहे हैं, तो मुंह नीचे करके गिराता है हम लोग जब भी करता है ना, उसमें आसानी रहती है। बेचारे को डर लग गया है यार जानवर को। चलो भाई पहली रस्सी तो इसके डल गई है, ठंडा लग रहा है, अब गिर जाएगा यार।
आवाज मुंह बचा के बांधो आराम से बांधो से दूर हटो, पैर वैर ना लग जाए। फवाद रस्सी लूज है पैर की आगे वाले। बिलाल भाई भी अब आए प्यार करने के लिए, क्योंकि इससे पहले वो मारता बहुत था ना, डायरेक्ट टक्कर मार रहा था, स्ट्रेट हुआ हुआ था, तो बिलाल भाई मतलब गिर गया है, पकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो फिर उसको जो है ना हाथ लगा लो। थोड़ा सा इधर ही घुमा लो, रस्सी लूज होगी मुंह की, पैर पकड़ के घुमाओ। अच्छा आठ सौ अगर नहीं खुल रही तो होगा के लाल दे, नहीं खुलेगी। चलो बस 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 उजाइफा उजाइफा पानी तो लगा दो, पानी अभी मुंह तो उसका सेट होना, तो फिर लगाना। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये हमारा जो है एक जानवर तो कुर्बान हो गया है यार, बड़ा अफसोस हो रहा है यार बेचारा, अभी थोड़ी देर पहले जो है जिंदा था, अभी अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बस यार ईद का यही होता है, आप एक हफ्ते पहले भी लाता है ना, उसको इतना लगाव हो जाता है जानवर से, सही बात है। बिना आप खुद अगर कर रहे हो ना, उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है, कुछ दिनों की इतनी मोहब्बत हो जाती है। बस यार पानी को जो है कबूल फरमाया, आमीन आमीन आमीन। तो भाई अब जो है पहला जानवर तो आज हो गया है हमारा, अब इंशाल्लाह ताला कल दूसरा जानवर रहेगा, और एक इंशाल्लाह ताला हम दुम्बे को जो है ना कल कुर्बान कर देंगे, बस अल्लाह पाक के लिए।
ये दो तीनों जानवर हमारे कुर्बान हो जाएंगे इंशाल्लाह। अबे यार भाई मैं तो सो गया था काफी देर, जो है ना नींद इतनी आ रही थी, सुबह का उठा था, अभी गोश्त वगैरह बांटने जा रहे हैं, इन लोगों ने पूरा जानवर कटवाया, मैं ऐसे बिलाल भी सारे सो गए थे, ऊपर भी आ गया जानवर, आधे से ज्यादा जो है बट भी चुका है यार, सबको बांट मजा आ गया, सो रहा था सुकून से, ये लोग बेचारे काम करवा रहे थे, चलो अच्छी बात है कोई तो था घर में जो काम वगैरह करवा रहा था। अब जा रहा हूँ ये सब बांटने रिश्तेदारों को, और जिन जिनका इस पे हक होता है उन सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, कल भी एक और वीडियो आएगी कुर्बानी की, अभी ब्राउन वाला भी बाकी है। बाकी आप सबको फिर से ईद मुबारक, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।